दुनिया देख रही थी कि मोदी जी क्या करेंगे। आज तक क्या होता था कि पहले लोग बोलते थे बस इनफ इज इनफ, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बस ये अंतिम लड़ाई है, अब आर पार की होगी, अब ये होगा, ऐसे ऐसे वो आ जाते थे अखबार के अंदर हेडलाइन, लेकिन होता कुछ नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि जो ऐसे दुश्मन हैं जिनके घरों के अंदर वहां पर जो है कैंप चल रहे हैं, तो उनके कैंपों को भी ध्वस्त करने के लिए यहां से जाकर लोगों ने उनको ध्वस्त करके आए, तो मोदी जी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सारा काम हुआ। एक राष्ट्र को सबसे सर्वोपरि रखने की जो भावना जो मोदी जी ने दिखाई है, शायद आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसी भावना नहीं दिखाई। जिस बहन के पास एलपीजी का सिलेंडर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, उसको सिलेंडर पहुंचा दिया, उसको साथ में उसको चूल्हा भी दे दिया। जिस घर के अंदर शौचालय नहीं था, वहां पे शौचालय भी पहुंचा दिया। तो भाइयों, किस किस लोगों के काम के लिए ध्यान रखा प्रधानमंत्री ने? सरकार ने कहा मिट्टी का तेल बंद करना है भाई। चंडीगढ़ के अंदर फैसला आया मिट्टी का तेल बंद करने का। हमने कहा भाई जरूर बंद करो, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा किस घर के अंदर चूल्हा जो है वो मिट्टी के तेल से बलता है, पहले उस घर के अंदर गैस का सिलेंडर दो, उसके बाद हम मिट्टी का तेल बंद करने देंगे। इतनी दूर जाना, कई बार बंदा ना मिलना, वापस आना, उसका कुछ करना चाहिए। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मिस्टर मोदी एंड बीजेपी। 3 साल तो जरा साड़ी लाइन ट्रैक्टर लाइन से बहुत अच्छा काम चलिया है। इन्ना मैं पिछले 10 साल बहुत ज़्यादा सलाम सी इतनी हूँ। ये आने वाले टाइम जो मोदी आते हैं तो सानू यह है कि साड़ी प्रोडक्शन होर अगे वधेगी, होर साड़ा काम चलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। धन्यवाद।